राइट में देखो आप, मेरे लेफ्ट में देखो आप, अब मेरे पीछे देखो, आओ ये रश देख रहे हो, ये सारे लोग वेट कर रहे हैं। एंड दिस इज द हॉट प्लेस इन राजकोट टू हैव लंच, ये है द ग्रैंड ठाकर थाल। तो यहाँ की जो थाली काफ़ी फेमस है, उसकी काफ़ी और जगह भी ब्रांचेस हैं। आप भीड़ देखो, रश देखो, खाना काफ़ी फेमस है इनका। तो हम लोग जाएंगे अभी अंदर और टेस्ट करेंगे कि फूड कैसा है। इनके यहाँ पे दो डाइनिंग रूम्स है, एक ये हैं, हम भी वेट कर रहे हैं कि हमें बैठाया जाएगा। इट इज़ वेरी पॉपुलर, मतलब मैं देख रहा हूँ कम से कम जितने लोग खा रहे हैं 100-200 उतने लोग वेट भी कर रहे हैं। और हम आए थे लेट, यहाँ पे एक बजे से रश होना शुरू हो जाता है, अभी बज गए 3। सो देखो यहाँ पे ये डिश टाइप फुल है, 290 रुपीज़ थाली कॉस्ट करती है एंड वी आर पेड फॉर इट। ये इनका बड़े वाला डाइनिंग रूम है, संडे को कितने 1000-2000 बंदा खा जाता है। तो ये देखिए थाली लगने वाली है हमारी, ये देखो ये आया, ये इसमें सौंठ की चटनी है, हरी चटनी है, टमाटर खाते हैं लोग काफ़ी। और ये है टोकरा, क्या बोलते हैं इसे, ये राई मिर्चा है सर, राई मिर्चा। अच्छा, नहीं काफी चिली होती है, वो पिकल टाइप्स का होता है। अच्छा, और ये आम का अचार। हाँ जी, ये आम का अचार है। अभी इसमें गोभी का सांभर है, यानी कि जो पत्ते गोभी होती है उसका सांभर अभी अभी। अच्छा, ये आ गया कंप्लीट सेट। अच्छा, ये मैंगो की बासुंदी, मैंगो की बासुंदी है। और गुजरात में छाछ काफी पिया जाता है ड्यूरिंग द मील, आफ्टर द मील, वेरी गुड फॉर डाइजेशन। और गर्मी okay. काफ़ी होती है उसमें गुजरात के अंदर, तो बेसन चीला, बेसन चीला। अच्छा, ये देखिए और ये दही वड़ा, दही वड़ा, ये तीनों परेशान आ गए इसको यहाँ पर। अच्छा, परेशान कैसे, यहाँ की स्पेशल है पूरन बोली, घी लगाया देसी, देसी होती है। हाँ, और देसी घी के साथ ही सर्व किया जाता है। ये देखो यहाँ पे जो तरीका होता है ना, ये ऐसे चुटकी बजा के बुलाते हैं, इतनी भीड़ है अगर बोलेंगे तो गला बैठ जाएगा। देखो ये इशारा कर रहे हैं, देखो ये इशारा कर रहे हैं, कुछ क्या इशारा कर रहे हो, ये सब्जी का इशारा है, ये सब्जी का इशारा है, और ये पापड़ का इशारा है, ये पापड़ का इशारा, ये पूरन पूरी का होता है, ये पूरन पूरी का इशारा, और ये राइस का होता है। अच्छा, और ये दाल कड़ी का होता है। अच्छा, पापड़ आ चुका है, थैंक यू। देखो यहाँ पे हर बंदा ग्लव्स पहन के सर्व कर रहा है। ये देखिए सब्जी आ गई हमारी, ये पंजाबी छोले, पंजाबी मटर पनीर आ गया। अच्छा, मटर पनीर आ गया पंजाबी। ये गोभी आलू, ये ओनली गोभी की सब्जी। अच्छा, ओनली गोभी है, गोभी और ग्रीन पीस, गोभी और ग्रीन पीस, हरा मटर गोभी की सब्जी। अच्छा, ये क्या उंधियो सर, यहाँ उंधियो, ये स्पेशल है, देखो की सब्जी है इसमें। और ये हर साल पूरे साल नहीं रहती उंधियो ना, ये पर डे रहता है सर। अच्छा, ये आलू की सब्जी हो गई, डेली वेज रहता है, आलू और ये इंडिया की सब्जी जो है। अच्छा, रोज आपको मिलेगी। अच्छा, चेंज ही नहीं होती उसकी जगह में, चेंज ही नहीं करते। दाल में भी आपको दोनों दाल चाहिए तो दोनों दाल भी मिलेगी। अच्छा, सिंगल दाल चाहिए तो सिंगल दाल मिलेगी। ये गुजराती दाल है, मीठी दाल, और वो पंजाबी दाल है, तीखी दाल। कड़ी चाहिए तो आपको कड़ी भी है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, दाल जब बनाते हैं उसमें थोड़ा गुड़ ऐड करते हैं, बिकॉज जो गुजरात स्टेट है वो काफी गर्म रहता है। तो आप जब दाल खाते हो तो आपको इंस्टेंट एनर्जी रिलीज होती है बॉडी के अंदर, तो दैट्स द रीज़न कि गुजरात की ये जो दाल है वो मीठी होती है। और ये है पंजाबी दाल, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस इसे कर रखी है कि जो बाहर के लोग आते हैं वो शायद इतना मीठा खाना पसंद ना करें। और ये देखो हम इसको तोड़ रहे हैं अभी, ये पूरी भी आ गई, स्टैंडर्ड गोभी कैरेट राई, अभी राई एक राइस भी रहते हैं ना। हाँ जी, राइस बाद में लेंगे। और ये इसमें चटनी है सर, तड़का लगा रखा है जो ढोकले में लगता है मस्टर्ड का। ये देखो ये टेस्ट करते हैं, काफी अच्छा। ये किसका दाल का है, ये काली दाल का है ना, ये हाँ काली दाल का है सर, दही वाली जैसे माँ की दाल, काली दाल, काली दाल होती है जो मास की उड़द की दाल होती है, उड़द की काली दाल की नहीं, एक्चुअली व्हाइट दाल का बनाते हैं, ये व्हाइट दाल का बनाते हैं, उड़द की दाल की है। अच्छा, उड़द के दाल का ही बनता है लेकिन व्हाइट दाल का, उड़द में टू टाइप्स है ना, उड़द होती है एक काली होती है दूसरी होती है सफेद उड़द। ये तो फरसान स्नैक्स में ये तीसरी चीज़ है, विच इज़ द चिल्ला, बेसन चिल्ला, बेसन चिल्ला, अगेन वेरी हेल्दी। ये कड़ी भी आ गई सर, कड़ी भी दे दो, ये गुजराती कड़ी है जी।
पापड़ की आ गई है। थैंक यू। आप टेस्ट करना शुरू करते हैं एक एक चीज़। ये फुलका ले रहे हैं, पहले करेंगे पंजाब, यहाँ से शुरू करेंगे तो स्टार्ट विद द पंजाबी दाल। वाह, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अब आलू की सब्ज़ी टेस्ट कर रहे हैं। दिस लुक्स क्वाइट यम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है पीनट ऑयल का। और जो मेन चीज़ जो मैं खाने में काफ़ी एक्साइटेड हूँ वो है उंडियो। ये उंडिया कितनी सब्जियों से बनता है ये सर? इसमें रहती है 25 से 30 आइटम की सब्जियाँ रहती है इसमें, और यहाँ के स्पेशल सब्जी है वैसे। हाँ, मकर संक्रांति में तो यहाँ पे गुजरात में ये किलो का हिसाब से बेचती है, डायरेक्ट किलो का हिसाब से लोग पार्सल ले जाते हैं आपके यहाँ से? हाँ जी सर। तो उसको बनाने बड़ा मुश्किल होता है? इसमें मेहनत बहुत लगती है। आपको ये वीडियो दिखनी होगी, हमने कवर किया था इसको गुजरात का इंग्लिश की वीडियो बनाने का प्रोसेस। मतलब इतनी वेजिटेबल होती है इसमें कि इट्स क्वाइट रिवीलिंग, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। ये आप बोल सकते हैं कि गुजराती मिक्स वेजिटेबल है, बट वेरी गुड, स्वीट एंड साउट टेस्ट रहता है इसका। अब ये गोभी की सब्जी टेस्ट कर रहे हैं, गोभी और ग्रीन पीस। ग्रीन पीस जी सर। ये सर पहले तो छोले चना था, छोले अच्छा, चना अभी अच्छा, ये पनीर होगा जी सर, पनीर मटर बना दिया। अब टेस्ट करते हैं हम लोग, चावल दे दीजिए ज़रा से ना। तो ये है गुजराती दाल, राई का तड़का है, मीठी है। बस बस वेस्ट नहीं करें खाना। तो एक तो गुजराती गली में आपका मीठी होती है, हल्दी नहीं जाता, वो ये चाट से बनती है। हाँ जी सर, मेरा एक्सपीरियंस तो ऑसम रहा फूड का। अब डिज़र्ट खा के देखते हैं। ये बासुंदी है, मैंगो बासुंदी। बासुंदी होता क्या है? बासुंदी जो दूध होता है सर, दूध को घटा के इसको बनाया जाता है, दूध को। और ये फिर नहीं डाल रखे हैं जी सर? दूध को बहुत पकाया जाता है। अच्छा, दूध को पकाने के बाद में इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह और इसका फ्लेवर डाल के बनाया जाता है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। और जो इनकी सदाबहार देश है पूरन पोली, ये बीच में क्या होता है फिलिंग? हलवा। हाँ जी, हलवा होता है, अरहर की दाल का हलवा होता है उसके अंदर। तो बीच में अरहर की दाल का हलवा होता है, उसको ये स्टफ रोटी बनाते हैं। मेरे हिसाब से तो एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड, वैल्यू फॉर मनी जितना मर्जी खा सकते हो। और इट्स अ फैमिली आउटिंग, मतलब फैमिली का जाके आप ये फ्रेंड का जाके ये थाली इंजॉय कर सकते हो। तो डू विजिट ग्रैंड ठाकर थाल इन राजकोट, एक अलग एक्सपीरियंस के लिए। संडे को आओ तो वेट करने के आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा।